Hello everyone, welcome everybody on Knowledge World channel where you will get all the social science and science NCERT topic wise lectures. So once again I'm welcoming you on Knowledge World channel and I hope you guys are doing well. So a very very warm welcome to everybody. So चलिए आज हम आपको एक बहुत ही interesting सा fact बताने वाले हैं. So be there till the end of the session. So स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन. सो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, फॉर देम माय नेम इज प्राची सिंह. मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में एंड आई हैव टॉट 1500 प्लस स्टूडेंट्स बिकॉज आई वाज ऑफलाइन टीचर आल्सो एंड आई वर्कड एज अ रोटो आर्टिस्ट इन अ कंपनी. सो yes of course my student knows ki I'm teacher by heart. I love connecting with you all. So this is a little introduction about me. Moving ahead bachcho, agar abhi tak you didn't subscribe the channel, abhi tak jo bhi log mujhe dekh rahe hain unhone सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज वर्ल्ड चैनल को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी चैनल की. करेक्ट, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर भी. तो जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहता है टेलीग्राम पर वो ज्वाइन कर सकता है टेलीग्राम. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, सो यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम लिंक. राइट, If you want to buy an academy subscriptions, so you can use my code and my code is Praj. Right? If you want to buy it, then you can use this code. You will get 10% off for plus. And if you want to avail free courses, then also you can use my code. You will get all the free benefits of an academy. So today's topic is what happen if you not sleep, right? अगर हम सोएंगे ही नहीं तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन ओनली. सो चलो विद अ गुड स्माइल हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे. अगर हम पहले दिन नहीं सोएंगे तो क्या होगा? This is very strange, but you will feel happy and enlightened. Yes, you heard me right. अगर आप एक दिन नहीं सोगे ना, if you didn't sleep for a 24 hour, तो you will feel happy, you will feel enlightened. The reason is that कि your dopamine level, your brain increases the dopamine level बिकॉज इट विल ट्राई टू कंपनसेट कि जो आपकी स्लीप लैक कर गई है उसे कंपनसेट करने के लिए आपके ब्रेन में जो चीज निकलती है डोपामाइन लेवल जो होता है वो क्या करेगा, डोपामाइन को इंक्रीज कर देगा. राइट, और इसी से आपको बहुत ही हैप्पी, बहुत ही इलाइटेड. इलाइटेड मीन्स हैप्पी स्पिरिट, यू नो, यू विल फील सो हैप्पी. आप एक दिन नहीं सोगे, ला 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 ऐसी फीलिंग आएगी. वो जो ला 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 वाली फीलिंग होती ना वो आएगी जब आप 24 घंटे नहीं सोगे. बट देन आफ्टर द 24 आवर्स जब धीरे धीरे कम होगा, सो योर हैप्पी मूड विल स्टार्टिंग इवोपोरेट. राइट, इट विल स्टार्ट टू इवोपोरेट एंड देन द टाइम कम्स फॉर सेकेंड डे. जब दूसरा दिन होगा, एज सून एज द सेकेंड डे अराइव एंड यू डिडंट स्लीप फॉर दैट डे ऑल्सो, सो योर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, योर फिजिकल इम्पॉर्टेंट फंक्शन विल गेट शट डाउन. आपकी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, फिजिकल फंक्शन, वो क्या होंगे, धीरे 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 शट डाउन हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे. आपकी जो सोचने की, समझने की, थिंकिंग एबिलिटी होगी वो काम करना धीरे धीरे कम हो जाएगी. आपकी शरीर वीक हो जाएगी, आपके शरीर में आपको लेस एनर्जी सी फील होगी, यानी कि लगेगा कि एनर्जी ही कम हो रही है. वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. राइट, योर बॉडी विल फील रैशेज, आपकी बॉडी में रैशेज हो सकते हैं. तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं जब अगर आप दो दिन तक नहीं स्लीप करोगे, दो दिन तक नहीं सोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में रैशेज हो रहे हैं, शरीर पीली पड़ने लगती है. तरह तरह की बीमारी जैसे कि हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग, इस तरह की बीमारी आपको फील होने लगेगी. स्टमक पेन, ये सारी चीजें जब आप दो दिन नहीं सोगे ना तो फिजिकली आप वीक फील करने लगोगे. थिंकिंग एबिलिटी, योर इम्यून सिस्टम विल गेट इफेक्टेड. राइट, आप धीरे 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 आपके अंदर ऐसा लगेगा कि यू विल फील लाइक एनर्जी ही नहीं बची है.
ये तो सेकेंड डे पर हो जाएगा, बट वेन द टाइम कम्स फॉर थर्ड डे, जब आप 3 दिन नहीं सोगे तो यू स्टार्ट टू हैव हेलुसिनेशन, राइट? आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी, हेलुसिनेट करने लगोगे, वो कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो सामने, कुछ भी आप इमेजिन करने लगोगे, कुछ भी आपको दिखने लगेगा. यू स्टार्ट टू फील हेलुसिनेशन आफ्टर 3 days when you are not sleeping, right? With no sleep for a 3 days, you start to hallucinate and आपकी body क्या होने लगेगी, rationalize हो जाएगी. ऐसा आपको लगेगा कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, right? आप अचानक से आपको चक्कर से आने लगेंगे, right? आपको चक्कर आने लगेंगे. 3 दिन जब आप सोगे नहीं तो आपकी बॉडी में कोई भी ताकत नहीं रह जाएगी फॉर टू कम्युनिकेट और टू जस्ट यू नो डू योर फंक्शंस, योर फिजिकल फंक्शंस. यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी. तो 3 दिन की स्लीप के बाद अगर 3 दिन आप नहीं सोगे तो ये सारी चीजें आपको होने लगेंगी व्हेन यू नॉट गेट 3 डेज स्लीप, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द मैक्सिमम रिकॉर्ड जो बनाया गया है विदाउट स्लीप का, वो अप्रोक्सीमेटली 264 आवर्स, यानी कि इक्वल्स टू 11 डेज. 11 दिन तक एक इंसान नहीं सोया, 264 डेज वो इंसान नहीं सोया था. एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो ये कहा गया कि अगर आपकी बॉडी में 11 दिन अगर आप नहीं सोगे तो कंप्लीटली आपकी बॉडी शट डाउन कर सकती है. कुछ केसेस में इफ यू हैव अ कम यू नो अ डिसीज विच इज वेरी यू नो डेंजरस फॉर योर हेल्थ, तो आपको शायद आपकी डेथ भी हो सकती है इफ यू आर नॉट टेक प्रॉपर स्लीप फॉर यू नो 11 डेज. तो ये सारी चीजें भी हो सकती, बट इफ यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर 11 डेज, तो आफ्टर गेटिंग 12 और 14 आवर्स स्लीप यू विल बी नॉर्मल, ये हो सकता है. बट अगर आपको कोई बीमारी है तो डेफिनेटली ये आपकी डेथ का भी रीजन बन सकता है. So I hope this video is helpful for you. And one more thing, before going to bed, if you want to happy sleep, you know, एकदम happy happy सी sleep चाहते हो, so before going to bed, आप एक अच्छा सा nice सा warm सा shower ले लो with eucalyptus and lavender bath salt. And क्या करो, start to control the lights of your room. जो भी आपके room में lights हैं उनको switch off करने की कोशिश करो. And you know, लाइट सी म्यूजिक सुन लो जो कि बहुत नॉर्मल सी हो. लिसन टू सम लाइट म्यूजिक. कुछ भी, सोने से पहले कोई चीज मत खाओ, म्यूजिक थोड़ी सी लाइट सी म्यूजिक सुन लो, आराम से वार्म बाथ लो, इंजॉय करो, लाइट्स ऑफ कर दो रूम की, एंड देन यू विल गो टू स्लीप. यू विल हैव अ नाइस एंड अ गुड स्लीप एट नाइट. सो रिमेंबर दिस कि 6 to 8 आवर स्लीप इन अ डे इज वेरी नेसेसरी. So, आपको 6 से 8 घंटा एक दिन में जरूर से जरूर सोना चाहिए, तो ये बात हमेशा याद रखना. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल हो बच्चों. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, सो व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी गिव्स यू प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज. वहां पे आपको पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपके इंटरेक्शन इवेंट्स होते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट कराई जाती है. तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्लस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी. कैसे अवेल करना है, गो एंड सिलेक्ट योर कैटेगरी, प्लस पे क्लिक करो सब्सक्रिप्शन के लिए. फ्री कोर्सेज के लिए यू नीड टू हैव अ कोड एंड दैट इज प्राच, राइट? और मुझे अनअकैडमी पे आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं. अदर कोर्सेज पर जाकर सर्च कीजिएगा प्राची सिंह और आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, राइट? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए एंड देन सिलेक्ट योर मंथ, यूज कोड प्राच, यू विल गेट 10% ऑफ. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नॉलेज वर्ल्ड चैनल एंड ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम. बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि दिस वीडियो इज गोना हेल्पफुल फॉर यू. तो टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय ऑल.